बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान का 75वां योम आज़ादी है। कौम मना रही है बाजे बजा के, और दिली दुआ तो यही है कि हम सिर्फ बाजे बजा के जश्न आज़ादी मनाने की बजाय मार्स पे जाने की सोचें, आसमानों पे हमारी नज़रें हों तो क्या बात है। हम जेम्स वेब की तरह करोड़ों साल से जो गुमशुदा राज हैं इस कायनात की, उसको खोजें तो क्या है। तो खैर, हम बाजे बजा रहे हैं, हमें इस बात पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान का क़याम का जो मकसद है वो क्या था, और बानियाने पाकिस्तान ने के ज़हन में क्या तसव्वुर था, क्या पेश नज़र था उनके। ये नई नस्ल को तो इसका बिल्कुल पता ही नहीं है, उसमें कसूर उनका नहीं हमारा है कि हमने उनको बताया ही नहीं। कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, उसके लिए अब ऐसा मटेरियल आ चुका है जिसे छुपाया गया। काश हम पाकिस्तान को वैसा पाकिस्तान बना सकें जैसा कि अल्लामा इकबाल चाहते थे या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब चाहते थे। यकीनन वो ये पाकिस्तान जिसमें मैं रहता हूँ, आप रहते हैं, ये नहीं था। डॉक्टर असलम अंसारी साहब को आजकल मेरे ज़ेर मुतालिया हैं, और उनका एक शेर आपकी नज़र, उसी एक मोड़ से लौट आना तो अच्छा था, मगर अब भी कहते हैं वहाँ उम्र बसर करते हम। तो ना हज़ार गालिब कहते हैं, चचा गालिब, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हम सोचते रहते हैं, कुछ चीज़ें हम कर नहीं पाते, कर नहीं सकते, इनिशिएटिव नहीं ले पाते। वो लम्हे वो पल गुजर जाते हैं लेकिन हम सोचते रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप कुछ तहिया कर लें किसी काम का, पक्का इरादा कर लें, वो बात कहना चाहें, कुछ करना चाहें, कर गुजरें। अगर आपको यकीन है कि अब वो सही रास्ता है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें आसानियां तकसीम करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, और अपनी आफियतों में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।